इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों से बचने के लिए रूस ने ईरान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 दिया था। इसके बदले ईरान अब रूस को FAH-360 बैलिस्टिक मिसाइल सौंप रहा है। इसके लिए रूस के कई सैनिक ईरान भी गए हैं ताकि इस मिसाइल को चलाना सीख सके। रूस अपने हथियारों के जखीरे में ईरानी मिसाइल शामिल करने जा रहा है। FAH-360 एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी अधिकतम रेंज 120 किलोमीटर है। इसमें 150 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जाता है। ये मिसाइल एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए बनाई गई है। खास तौर पर क्लोज रेंज टारगेट के लिए ये मिसाइल उपयुक्त है। इस मिसाइल के कुल वजन 787 किलोग्राम होता है। लंबाई 16.97 फीट है। व्यास 1.20 फीट है। कम से कम 30 किलोमीटर और अधिकतम 120 किलोमीटर तक टारगेट गिरा सकता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगता है, यानी इसकी मदद से इमारत, बंकर, हथियार डिपो, तेल डिपो, बंदरगाह वगैरह उड़ाया जा सकता है। एक्यूरेसी सर्कल 30 मीटर से कम है, यानी टारगेट से 30 मीटर दाएं बाएं भी गिरे तो टारगेट खत्म हो जाता है। इस मिसाइल को पहली बार 21 अगस्त 2020 को ईरान ने दिखाया था। इसे लॉन्च करने के लिए ट्रक होता है जिसमें 4 या 6 राउंड के कैनिस्टर होते हैं, उनसे ये मिसाइलें दागी जाती है। इस मिसाइल पर आप क्या कहना चाहेंगे जिसे ईरान ने रूस को दिया है, इस पर आप अपनी राय बताइए। और देखते रहिए ABP Live।